RTH न्यूज अब सब पर है नजर हमारी। झारखंड के गढ़वा जनपद से ब्यूरो चीफ डॉक्टर श्रवण कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कांडी में एक दिन पूर्व हुई नवी कक्षा की छात्रा किरण कुमारी की मौत को लेकर दिनांक 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को गढ़वा उपायुक्त के निर्देशानुसार सदर SDO राज महेश्वरम ने उक्त विद्यालय में पहुंचकर मामला संबंधित जाँच किया। जांच के बाद SDO ने बताया कि बच्ची की मौत संबंधित वार्डन गार्ड व शिक्षिका विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का बयान दर्ज किया गया है। आरोप परिलक्षित होने पर आरोपी के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कहा कि सप्ताह में एक दिन छात्राओं के स्वास्थ्य जांच हेतु स्वास्थ्य कर्मी की टीम नियुक्त की जाएगी। उक्त विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही कस्तूरबा के बच्चों के बीच भय व्याप्त है। कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई गई हैं कि वार्डन के ऊपर कार्यवाही होने के बाद कस्तूरबा विद्यालय बंद हो जाएगी, तो मैं मीडिया के कैमरे के सामने यहां की छात्राओं व उनके अभिभावकों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय बंद नहीं होगा। भले ही व्यवस्थापक को बदला जा सकता है, उन्होंने कहा कि कस्तूरबा विद्यालय की कई कमियों को पारदर्शिता से देखा, उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। मैं सारा वस्तुस्थिति की जानकारी से उपायुक्त को अवगत कराऊंगा। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि सैंपल लिया गया है। टेंडर के वक्त जो खाद्य सामग्री सप्लाई किया जाना है उससे हटकर खाद्य सामग्री पाया जाता है तो सप्लायर पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जांच में सभी से जो स्टेटमेंट लिया गया है, जो बच्ची थी उसका बयान लिया गया है। इसके अतिरिक्त वार्डन से या जो उपस्थित शिक्षक एवं गार्ड से सभी का बयान दर्ज किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर की भी टीम आई है। तो जो मृत्यु का जो बच्ची का कारण है, जो दुर्भाग्यवश यहाँ पे हुआ है, उसके संबंध में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी ली है। और किसी भी तरह की अगर लापरवाही परिलक्षित होती है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वार्डन हो या टीचर हो या गार्ड हो, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन पे हम लोग जो भी एक्शन लेना होगा उसमें उस संबंध में हम लोग उपायुक्त महोदय पर अनुशंसा करें। सर, छात्रा का आरोप है कि हम लोग को मेनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता है और जो पीने का पानी है वो स्वच्छ नहीं है। ठीक है, इसके हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि यहाँ पे जो वाटर फिल्टर है वो ख़राब है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कितने दिनों से ख़राब है और उसके क्या कारण है। और मेनू से भोजन नहीं मिलने के संबंध में भी हम लोग को भी अगर कोई बच्ची शिकायत करती है तो निश्चित रूप से हम लोग उसका वार्डन का व्यवहार छात्रा के साथ अच्छा नहीं रहता है। कुछ डरी हुई है छात्रा, तो बिल्कुल ये निराधार है। कुछ बच्चियों के द्वारा अपना नाम न लेने के ये में बताया गया कि वार्डन के द्वारा बताया गया कि उनके चले जाने के बाद स्कूल बंद हो जाएगा। तो आप लोग के माध्यम से भी हम सभी गार्जियंस को आप मैसेज देना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति के ये से कोई इंस्टीट्यूशन या संस्था नहीं चलती है। अगर उनको हटा भी दिया जाता है तो कस्तूरबा विद्यालय वैसे ही चलेगा जैसे पूर्व में चलता है और इसमें कोई ऐसे कठिनाई नहीं। सर, कुछ खाद्य पदार्थ में नया माल पाया गया जो पुराने माल का ये नहीं खाने के लिए करके खाद्य उसका सैंपल लिया गया है। DO साहब, DSC साहब जो प्रभार में भी है उनके द्वारा सैंपल लिया गया, उसे मिलान किया जाएगा। जो कि टेंडर के समय जो सैंपल लिया गया था उस सैंपल के अगर ये में नहीं होगा तो जो संबंधित सप्लायर होगा उनके आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्रवाई की जाएगी। सर, कल की घटना में अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है, क्या किस तरह का लापरवाही? तो देखेंगे कि हम लोग चूंकि ये हमको रिपोर्ट गोपनीय ढंग से उपायुक्त महोदय के अनुसार हम लोग को भेजना है तो उसके बाद ही हम लोग उसके सामने रिपोर्ट के सामने। सर, कल की घटना से काफी सारे बच्चे विद्यालय छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए अब क्या करना? ये बच्चों में थोड़ा सा भय का माहौल बन गया है, गार्जियंस के बीच में भ्रांति फैली है, तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं, लेकिन उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से भी गार्जियन को कहना चाहूँगा कि अगर लापरवाही बरती गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, वार्डन के द्वारा या किसी शिक्षक के द्वारा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें बच्चों को जो भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं वो उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और हम लोग लगातार यहाँ पे चिकित्सीय व्यवस्था हम लोग देखेंगे कि अगर वीकली विजिट होता है डॉक्टर्स का तो उसके भी हम लोग अनुशंसा करेंगे कि अभी देखा गया है कि एक महीना पे डॉक्टर्स आते हैं तो हम लोग कम से कम एक सप्ताह में डॉक्टर्स का विजिट हम लोग यहाँ पे अनुशंसा करेंगे कि हर एक सप्ताह कम से कम डॉक्टर्स का विजिट हो ताकि बच्चियों को जो लगातार हम लोग उसके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी। सर, साफ सफाई पे थोड़ा सा बोल दिया जाए, साफ सफाई यहाँ पे नहीं देखा गया, गंदगी का अंबार भी लगा हुआ। साफ सफाई के लिए सरकार के द्वारा
पर्याप्त मात्रा में राशि दी जाती है कि अगर और कहीं कहीं पे अगर उसके देखा गया है गंदगी।